Welcome back, my dear students. Now we will discuss about the classification of polymers. कि different polymers का classification हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, किसी भी चीज के classification करने के लिए हमें एक basis हमारे पास होना चाहिए कि किस base पे हम उसको classify कर रहे हैं. और different basis को लेते हुए classification भी different तरीकों से किया जा सकता है. तो जो पॉलीमर्स हमारे पास हैं, इनका भी हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो यहां पे हम बेसिकली चार टाइप से इनका क्लासिफिकेशन करेंगे. फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी. सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी से हमारा मतलब है कि कहां से हमें वो पॉलीमर मिलता है. एक तो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है. सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इस बेसिस पे भी हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. नंबर थ्री, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. कि वो जो पॉलीमर हमारे पास है या जिस पॉलीमर की हम बात कर रहे हैं, वो बनाया किस तरीके से गया है, किस मोड के द्वारा, किस मेथड के द्वारा उसकी फॉर्मेशन की गई है. इस बेसिस पे भी हम पॉलीमर्स को डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज कर सकते हैं. एंड फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस. मीन्स कि किसी पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स के बीच में किस किस टाइप की फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस. इन चार बेसिस पे बेसिकली सिंपली हम कैटेगराइज करेंगे पॉलीमर्स को डिफरेंट क्लासेस में. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, दैट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, यहां से हम स्टार्ट करते हैं और फिर वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे. तो स्टार्टिंग विद द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, कि वो पॉलीमर हमें कहां से मिला है, कैसे उस पॉलीमर को हम प्राप्त कर सकते हैं. इस बेसिस पे तीन क्लासेस इसकी बन सकती हैं. नंबर वन, नेचुरल पॉलीमर. नेचुरल पॉलीमर में वो सभी पॉलीमर आएंगे जो हमें नेचर से मिले हैं. नेचर से दैट इज फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स द पॉलीमर विच आर फाउंड इन नेचर आर नोन एज नेचुरल पॉलीमर्स. इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सेल्यूलोज, स्टार्च एटसेट्रा. जैसे जो सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ये सभी के सभी पॉलीमर हैं और सभी के सभी नेचर में हमें मिलते हैं. नेचर से हमारा मतलब है दैट इन एनिमल्स और प्लांट्स, और वी कैन से ह्यूमन बींग
प्लांट्स, ठीक है, ह्यूमन बींग में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, जहां से भी हमें ये पॉलीमर मिलेंगे तो इनको कहा जाएगा नेचुरल पॉलीमर्स। सेकंड वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो हमें बेसिकली मिलते तो नेचर से हैं, लेकिन उसमें कुछ हमारी मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। मींस कि ऐसा पॉलीमर जो हमें नेचर से मिला है और हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दी है टू एनहेंस दी प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पॉलीमर, उस पॉलीमर की प्रॉपर्टीज को अच्छा करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, देन दोज पॉलीमर्स आर नोन एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है वल्कनाइज्ड रबड़ का, वल्कनाइज्ड रबड़, इसमें हम रबड़ को सल्फर की हेल्प से वल्कनाइज कर सकते हैं। एंड ऑन दिस बेसिस थर्ड क्लास विल बी सिंथेटिक पॉलीमर और वी कैन से मैन मेड पॉलीमर्स। थर्ड क्लास विल बी सिंथेटिक पॉलीमर वी कैन से मैन मेड पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जिनको हम कंप्लीटली सिंथेसाइज करते हैं लैब में और इन दी इंडस्ट्री, जिनको हम लैब में या इंडस्ट्री में अपने आप से सिंथेसाइज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल्स नियोप्रिन, नायलॉन सिक्स, टेफ्लॉन, पीवीसी, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन, ये सभी के सभी जिनको हम खुद से सिंथेसाइज करते हैं, दीज आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये तीन क्लासेस थी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, कि वो पॉलीमर हमें कहां से मिला है इस बेसिस पे। Now we will classify the polymer on their second basis, that's on the basis of their structure. Second one is on the basis of structure of polymer. Structure of polymer के basis पे भी polymers को तीन classes में categorize हम कर सकते हैं। First one is linear polymer, ऐसे polymer जिनमें जो monomer units हैं, जो repeating structural units हैं, वो एक दूसरे से जुड़ते चले जाएं to form a linear chain of the molecule or to form the linear chain of that polymer, और उसके बाद फिर जो डिफरेंट चेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक हो जाएं टू फॉर्म आ
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो वहां से जो पॉलीमर बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज लीनियर पॉलीमर। इसको हम लिख सकते हैं दैट इज द पॉलीमर, द पॉलीमर फॉर्मड बाय simply or we can say the polymer formed by linear linking of or linear linkage of monomer units, monomer units with one another, with one another. The different these linear chains can be easily packed with each other to form the thread like structure डिफरेंट चेन एक दूसरे के साथ इसमें जुड़ती चली जाएंगी और हम एक थ्रेड लाइक रोप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर इसको हम देखना चाहें, सपोज दिस इज आवर वन पॉलीमर चेन, ये हमारी पॉलीमर की एक चेन यहां पे है। अगर हम इस तरह की बहुत सारी चेन्स को एक साथ जोड़ दें या एक साथ अगर वो जुड़ी हो, देन वी विल गेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इस टाइप के जो पॉलीमर हैं उनको कहा जा सकता है लीनियर पॉलीमर। इस टाइप से जो पॉलीमर बनेगा दिस विल बी an example of linear polymer. And on this basis second classification will be branch polymer. लेकिन branch polymer से पहले अगर एक बार हम बात करें linear polymer की ही, तो क्योंकि इनमें कोई branches नहीं है, ये linear है, तो इनको easily और आसानी से pack किया जा सकता है, अच्छी तरह से इनको pack किया जा सकता है, जिसकी वजह से इनकी strength काफी ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होगी एंड दिस विल ऑल्सो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगी और इसकी पुलिंग स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्रांच पॉलीमर्स। ब्रांच पॉलीमर से हमारा मतलब है ऐसे पॉलीमर जिनमें जो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स हैं वो सिंपली चेन्स तो बनाए ही और उनके अलावा साइड से भी जुड़ सकती हैं। साइड से मींस कि दे कैन हैव थ्री फंक्शनल ग्रुप्स और मोर फंक्शनल ग्रुप्स, ताकि उसमें साइड से भी उनकी कनेक्शन हो सके और ब्रांचेस की फॉर्मेशन हो सके। कंटेन्स ब्रांचेस ऑफ पॉलीमर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल
सपोज दिस इज एनी वन पॉलीमर चेन, ये कोई पॉलीमर चेन है, अभी तक तो ये लीनियर पॉलीमर की कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर इसमें सपोज ब्रांचेस भी हों, इफ दिस कंटेन ब्रांचेस ऑल्सो देन दिस पॉलीमर विल बी इन द कैटेगरी ऑफ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स, तो इनको हम ब्रांच्ड पॉलीमर या ब्रांच चेन पॉलीमर भी बोल सकते हैं। द थर्ड वन विल बी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, सी दैट इज क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉसलिंक पॉलीमर। क्रॉसलिंक पॉलीमर में क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट चेन्स बनी होती हैं लीनियर पॉलीमर की, वो एक दूसरे के साथ जुड़ना स्टार्ट कर देती हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस। सपोज दिस इज द एनी वन, दिस इज एनी वन ऑफ द पॉलीमर चेन, ये पॉलीमर की कोई चेन है, ये पॉलीमर की कोई दूसरी चेन है, सपोज दिस इज द थर्ड चेन ऑफ दैट पॉलीमर, फोर्थ चेन एंड नेक्स्ट चेन। और अगर ये चेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ना स्टार्ट कर दें तो हमें जो पॉलीमर मिलेगा दैट विल बी लाइक अ थ्री डिमेंशनल नेटवर्क, तो हमें उस पॉलीमर का एक 3D नेटवर्क मिल जाएगा और उस पॉलीमर को हम बोल सकते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर, that will be a example of cross-link polymer. Second basis के बाद third basis जो हमारे पास है that is on their molecular structure, structure पे हमने यहां पर discuss किया है, now on the basis of their molecular forces कि कौन कौन सी molecular forces उनमें exist करती हैं, now we will discuss the polymer on the basis of molecular forces exist, और molecular forces से पहले हम बात कर सकते हैं on the basis of mode of polymerization कि किस तरीके से उस polymer को बनाया गया है, that is on the basis of mode of polymerization, on the basis of mode of polymerization on the basis of mode of polymerization, इसमें दो टाइप के पॉलीमर हमारे पास हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज addition polymers and second one is condensation polymers. First one is addition polymers. Addition polymers. Addition polymers में basically वो polymers आते हैं जो structural units के और we can say monomer unit के बार बार सिंपली एड होने से बने हो, मींस कि ऐसे पॉलीमर जिनमें बार बार कोई रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट एक दूसरे के साथ एड होती चली जाए और हमारे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बनती जाए, दैट इज दोस पॉलीमर्स, और वी कैन सिंपली से पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय simple addition of monomer units is known as addition polymerization. इसमें हम different example ले सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ पोलीमराइजेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल्स. दिस इज एन इथेन मॉलिक्यूल. इसकी पोलीमराइजेशन से वी विल गेट पॉलीथीन CH2 एंड टाइम्स. नेक्स्ट इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पोलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन. अगर प्रोपीन की बात करें देन द मोनोमर यूनिट विल बी प्रोपीन एंड द पॉलीमर यूनिट विल बी पॉलीप्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज अ प्रोपीन यूनिट. आफ्टर पॉलीमराइजेशन we will get polypropene. इस तरह से ये जो इसमें पॉलीमर बनेगा That will be an example of polypropene. Next, in this we can take the example of formation of polybutadiene by 1,3-butadiene. We have molecule of 1,3-butadiene. Suppose we have n molecules. This is 1,3-butadiene. After polymerization, we will get CH2CH double bond CH and CH2. This will be the repeating structural unit for polybutadiene. और इस तरह से हम इसमें different different examples ले सकते हैं. For example, PVC that is polyvinyl chloride. Next हम बात करते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोलीमराइजेशन एंड दैट विल बी कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन. कि कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन क्या होता है. B is condensation polymerization. जिस टाइप से हमने बात की थी पोलीमराइजेशन की इन दी एडिशन पोलीमराइजेशन, तो एडिशन पोलीमराइजेशन में क्या था कि सिंपली दो मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं. लेकिन उसमें और कंडेंसेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है. इसमें भी दो यूनिट या दो से ज्यादा यूनिट एक दूसरे के साथ सिंपली ऐड होंगी या कंबाइन होंगी, लेकिन उसमें से कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे. साइड प्रोडक्ट मीन्स की इसमें से कुछ सिंपल मोलिक्यूल्स लाइक वॉटर, अमोनिया, एल्कोहल, इस तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल इसमें से निकल सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं. तो जिसमें ऐसी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जिसमें कोई पॉलीमर तो बने पर साथ के साथ उसमें से कुछ छोटे छोटे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी निकलें, दैट प्रोसेस इज नोन एज
condensation polymerization, that is the process of polymerization in which a polymer is formed, in which a इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इन विच मोनोमर यूनिट्स इन विच मोनोमर यूनिट्स कंडेंसेस कंडेंस विद ईच अदर विद ईच अदर or with one another to form the polymer with the removal of some simple molecules like water, ammonia, alcohol, etc. ये सब भी इसमें निकले या इनमें से कोई एक निकले या दो निकले तो उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एग्जांपल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6 formation of nylon 6 from hexamethylene diamine and adipic acid 6 times NH2. This is hexamethylene diamine and this is the adipic acid. After polymerization we will get NHCH2 6 times, NHC double bond O CH2 4 times and C double bond O and here. इस तरह से ये जो पॉलीमर बनेगा its name is nylon 6. इसलिए क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम यहां पे आते हैं और 6 ही कार्बन एटम यहां पे आते हैं 4 और 2 6. इस तरह से इस पॉलीमर को नायलॉन 6 6 कहा जाता है. नाउ द लास्ट बेसिस ऑफ द पॉलीमर क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्टिंग इन द पॉलीमर. नाउ वी विल क्लासिफाई द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ molecular forces. Fourth one is on the basis of molecular forces इस basis पे इसको हम फोर कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज इलास्टोमर. फर्स्ट वन इज इलास्टोमर्स
अब क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे हैं मोलिकुलर फोर्सेस की, तो हमें यह देखना है कि किस टाइप के पॉलीमर्स में मोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं और किस टाइप के पॉलीमर में जो मोलिकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग हैं। तो अगर हम इलास्टोमर की बात करें तो इलास्टोमर में सबसे वीकेस्ट मोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। यू कैन से मोलिकुलर फोर्सेस आर वीकेस्ट, दिस आर दी वीकेस्ट मोलिकुलर फोर्सेस। बी फाइबर्स, फाइबर्स में जो मोलिकुलर फोर्सेस होती हैं दीज आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट, हैव स्ट्रॉन्गेस्ट मोलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट मोलिकुलर फोर्सेस। सी दैट इज थर्मोप्लास्टिक्स, और वी कैन सिंपली से थर्मोप्लास्टिक। द मोलिक्यूलर फोर्सेस इन द थर्मोप्लास्टिक्स आर इन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर, मोलिक्यूलर फोर्सेस आर मोलिक्यूलर फोर्सेस आर इन बिटवीन फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स। इन एडिशन टू दिस प्रॉपर्टी थर्मोप्लास्टिक्स ऑल्सो हैव अ मोर प्रॉपर्टी, एक इसमें और प्रॉपर्टी भी है, और वो ये कि थर्मोप्लास्टिक्स आर बेसिकली हार्ड, ठीक है, ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं नेचर में, लेकिन जब इनको गर्म किया जाए तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, इनकी जो मोलिकुलर फोर्सेस हैं वो काफी वीक हो जाती हैं, दिस बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। अगर इनको एक बार गर्म कर दिया तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और इनको अगर फिर से ठंडा कर दिया जाए देन दे बिकम हार्ड अगेन। एंड द लास्ट वन वी हैव इज थर्मोसेटिंग्स, आफ्टर थर्मोप्लास्टिक वी हैव थर्मोसेटिंग्स। थर्मोसेटिंग्स में हम ये बोल सकते हैं कि इनमें इनके वाली प्रॉपर्टी मींस इन थर्मोसेटिंग्स में थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टीज नहीं होती, कि इनको जैसे कि थर्मोप्लास्टिक में था कि ठंडा करेंगे तो हार्ड हो जाएंगे, गर्म करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, इनको एक बार जिस मोल्ड में हम ढाल देते हैं, जिस सांचे में हम इनको ढाल देते हैं, तो फिर इनको गर्म या ठंडा करके इनकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता। मीन्स दीज आर थर्मोसेटिंग्स, ये एक बार जिस मोल्ड में सेट हो जाते हैं फिर इनकी शेप को चेंज नहीं किया जा सकता। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस। ओके, थैंक यू।